लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इट्स टाइम ऑफ मैथमेटिक्स पीरियड। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर्स एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9। जल्दी से अपनी नोटबुक ले आएँ और उसको रेडी करें, ठीक है। डे एंड डेट मेंशन करें, अपना टॉपिक लिखें, ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 9 सॉल्व करने पे आ जाएं। शाबाश। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 156,098 टूरिस्ट विजिटेड सवात इन जून एंड इन जुलाई। द टूरिस्ट नंबर ग्रू टू 300,678। हाउ मेनी टूरिस्टेड विजिटेड सवात इन बोथ द मंथ्स। ठीक है, हमें टू फिगर्स दे दिए गए हैं और हमने बताना है कि इन दोनों मंथ में कितने टूरिस्ट ने सवात का विज़िट किया। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, वर्टिकली फॉर्म में लिखें। ठीक है, जिस तरह ये देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं, आपके सामने वर्टिकली शेप में ये दोनों फिगर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और इसको प्लस करना है क्योंकि उसने हमें हाउ मैनी पूछ लिया। ठीक है, तो जब हम इसको हाउ मैनी में देखेंगे तो हम इसको एडिशन करेंगे। ठीक है, तो आपने ऊपर वाले फिगर के सेम नीचे, जैसे ऊपर वाले फिगर लिखा हुआ है उसमें कॉमास वगैरह दिए हुए हैं, 3 के बाद कॉमा है, ठीक है, इसी तरह आपने नीचे वाला फिगर उसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, और जो उसका आप आंसर लिखेंगे वो भी सेम हर डिजिट के नीचे, हर नंबर के नीचे उसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 8 में 8 है, जब आप एडिशन करोगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 16। ठीक है, हमने 6 ऐड कर लिया और 1 हमारा कैरी आ गया। 9 में 7 ऐड किए, 17 आ गया। ठीक है, 6 है तो इसका आंसर भी 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कॉमा 3 टीचर्स के बाद, ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास, 6 है। 6 के नीचे आप देख रहे हैं कि 0 मेंशन किया गया है, तो 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 5 है, 5 के नीचे भी 0 है, ज़ाहरा फिर 5 भी सेम ही आ गया, और 1 के अंदर 3 को आप ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 456,776 टूरिस्ट्स ने 2 मंथ्स में, यानी जून एंड जुलाई में सवात का विज़िट किया। ठीक है, यू डन इट, गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे आएं। हमें बताया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है, अ प्रॉपर्टी डीलर बाइज अ लैंड वर्थ 545,000 एंड देन परचेजेस अ हाउस वर्थ इसकी दी गई है 765,500। हाउ मच हैज़ ही स्पेंड ऑल टुगेदर। ठीक है, यानी उसने प्रॉपर्टी डीलर ने दोनों चीज़ें खरीदने पे कितनी जो थी अपनी रकम खर्च की। ठीक है, कितनी रकम से बाय किया ज़मीन लैंड को भी और हाउस को भी। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको वर्टिकली फॉर्म में लिखें। ठीक है, ऊपर वाला फिगर ऊपर लिख लें और जो हाउस का प्राइस है वो इसके नीचे लिख लें और इसको राइट हैंड से सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो देखें ये हमारे पास 2 जो हैं वो सिफर हैं, तो यू नो वेरी वेल दैट के सिफर में जब हम सिफर ऐड करेंगे तो ये सिफर ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 3 जो हमारा फिगर डिजिट है वो है 5 है, 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा और 3 के बाद कोमा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 में 5 ऐड करें तो ये 10 आ जाएगा। हम इसको 10 का 0 जो है वो ऐड करेंगे क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे है और जो लेफ्ट वाला 1 है हमारे पास वो 4 के ऊपर कैरी हो जाएगा। तो 4 के अंदर 6 ऐड करें, ये 10 और 10 में जो हमारा 1 था वो कैरी, वो ऐड किया तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 1 हमने राइट कर दिया और 1 फिर हमारा कैरी आ गया। 1 के अंदर 1 ऐड करें तो ये 2 आ जाएगा और देखिए अब 3 डिजिट्स के बाद फिर कॉमा आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 7। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा आंसर, 12, यानी 12,210,500। ठीक है, यानी इस कीमत से, इस प्राइस से उसने दोनों जो चीज़ें थी यानी लैंड और हाउस बाई किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर डी है, इन अ लाइब्रेरी देर आर 257,409 उर्दू बुक्स एंड 705,01 बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस।
व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी एक लाइब्रेरी में जो फर्स्ट हमारे हमें फिगर दिया गया है वो उर्दू बुक्स हैं, और जो बाकी दूसरा फिगर है उतनी यानी 7501 बुक्स जो हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस की हैं। अब हमने लाइब्रेरी में टोटल जो लैंग्वेज हैं वो देखनी है कि कितनी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, टू इसको आपने ऐड कर लेना है, राइट कर लेना है वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है। तो इसको राइट हैंड से सॉल्व करना स्टार्ट करें, 9 के अंदर 1 जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और 10 का हम 0 ऐड करेंगे और 1 हमारे पास कैरी हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 9 है, और 9 के नीचे जो डिजिट दिया गया है वो सिफर है। 9 में हम जब 1 जो है वो कैरी है वो ऐड करेंगे, फिर 10 हो गया, 0 मेंशन किया दिया और 1 कैरी, 4 के अंदर 5 ऐड करें 10 और 1 जो कैरी था 9 है, ठीक है, और जो 1 कैरी था वो ऐड किया तो ये 10 हो गया, सिफर लगाया 1 फिर कैरी है। 7 के अंदर 7 ऐड करें ये 14 आ जाएगा, 14 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 5 हमने ऐड कर लिया और 1 जो है वो हमारा कैरी हो गया। 5 है तो 5 में 1 ऐड करें ये 6, और 2 के नीचे प्लस है तो 2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी टोटल बुक्स जो थी वो 265,000 है, ठीक है, जो उर्दू और अदर लैंग्वेजेस की टोटल जो थी। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, द प्राइस ऑफ अ रिटर्न टिकट फ्रॉम दुबई टू इस्लामाबाद ऑन अ इंटरनेशनल एयरलाइन इज़ 125,285, और जो कंपिटिटर एयरलाइन फेयर है फॉर द सेम रूट है, ठीक है। यानी जो टिकट है दुबई से इस्लामाबाद की इंटरनेशनल की, और कंपिटिटर एयरलाइन जो फेयर है वो भी सेम ही है, दोनों सेम हैं, तो आपने क्या करना है दोनों डिजिट्स को वर्टिकली फॉर्म में एक दूसरे के नीचे लिख लें, ठीक है, और इसका आंसर सॉल्व करें। तो देखिए बच्चे, आपने 5 के अंदर जब 5 ऐड करेंगे आपको तो एडिशन बहुत अच्छी तरह से आती है ना, ठीक है, गुड। चलें जल्दी से इसको सॉल्व करें, 5 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 कैरी है हमारे पास, ठीक है। 8 के अंदर जब हम 8 ऐड करेंगे ये 16, और 1 हमारा जो कैरी हुआ वो 17 हो गया, ठीक है, गुड। 7 लिख लिया और 1 कैरी हो गया। 2 के अंदर 2 ऐड करें और फिर क्या होता है हमारे पास कैरी 1, गुड। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। और कोमा कितने डिजिट्स के बाद हम लगाते हैं, 1 डिजिट के 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है, चलें लगा दिए आपने, गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 के अंदर 5 ऐड करेंगे, जल्दी से ऐड करें, शाबाश, क्या आता है 10, गुड। तो हमने कौन सा इसका डिजिट मेंशन इधर करना है, राइट हैंड वाला, तो क्या लिखेंगे 0 और हमारे पास कैरी क्या हुआ, जल्दी से बताएं, शाबाश, 1 कैरी हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 2, और 2 के अंदर हमने कितने ऐड करने हैं 2 ही, और हमारे पास जो कैरी हुआ था वो भी इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन गया जाएगा ये 5, गुड, अच्छे बच्चे हैं। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो क्या है 1, और 1 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको काउंट करके बताएं ये कितने हो गया, ये फेयर कितना बन गया टोटल, शाबाश, कितना हो गया 250,570, गुड, चलें शाबाश, आपने इसको सॉल्व कर लिया और मेरी बात सुने बच्चे, आपने इसको बहुत प्यारे और नीट पैटर्न में राइट करना है, ठीक है, इससे बच्चे ने भी कोई मिस्टेक नहीं करनी, और हर डिजिट के नीचे, हर नंबर के नीचे नंबर सेम वैसे ही राइट होना चाहिए, और आंसर भी अगर आप इधर उधर उसको लिखेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो गलत तसव्वुर किया जाएगा, ठीक है, चलें शाबाश। अब अपनी नोटबुक बंद करें थोड़ी देर के लिए, और अपनी डायरी जो है वो ओपन करें और नेक्स्ट डे की डायरी नोट कर लें, ठीक है, चलें शाबाश। डू प्रैक्टिस ऑफ क्लास वर्क, आपने क्लास वर्क की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और प्लस सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, यानी डी तक हमने आज सॉल्व कर लिया, और जो नेक्स्ट हमारा ई रहता है वो अपने नोटबुक के ऊपर बहुत प्यारा प्यारा जो है वो राइट करना है, ठीक है। इट्स ओवर नाउ, अल्लाह हाफिज़।